भाजपा सांसद राव उदय प्रताप पर बिफरे विधायक संजय शर्मा बोले, पिछले 10 वर्षों में सांसद ने नहीं कराया कोई भी विकास कार्य, मोदी हो या सांसद एक भी उपलब्धि नहीं। सांसद राव उदय प्रताप पर बिफरे विधायक संजय शर्मा, सांसद ने 10 वर्षों में नहीं कराया कोई विकास कार्य, मोदी हो या सांसद एक भी उपलब्धि नहीं। तेंदुखड़ा विधानसभा से किया गया सोतेला व्यवहार, शिवराज सिंह ने गुटबाजी के चलते दिया टिकट, देखना होगा क्या होगा हश्र। क्षेत्र के लिए एक छोटी सी भी उपलब्धि बताएं, स्वयं की या केंद्र की। झूठ बोलने, अच्छे कपड़े पहनने, क्रीम पाउडर लगाने से नहीं मिलते वोट, जनता के बीच करना पड़ता है काम। चुनाव में दिखने वाले को दिख रहा है, नहीं दिखने वालों को नहीं दिख रहा। इन 5 वर्षों की सरकार ने और अभी जो वर्तमान सांसद हैं, वो वर्तमान देश के, वो मध्य प्रदेश के जो मंत्री रहे, वो प्रदेश में भी पिछले 5 वर्षों में सरकार रही, उसमें विधायक में भी रहा। उसके बाद मैंने विधानसभा चुनाव पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया और कांग्रेस से दोबारा चुनाव लड़ा। इतना ज़्यादा इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए, NTPC की अगर सांसद जी कहते हैं तो NTPC माननीय सुरेश पचौरी जी लेके आए थे। जितनी नई ट्रेनें चली या स्टॉपेज हुए, माननीय पचौरी जी जब मंत्री थे तो उन्होंने यहाँ पर रुकवाने का काम किया था। इनकी एक भी उपलब्धि सांसद जी की मेरे को कहीं नहीं दिखती। और अगर जनता कहती कि मोदी जी को देख के हमने वोट दी थी इनको, तो मोदी जी ने भी कभी होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र में ना आने का मन बनाया, ना कभी यहाँ के लिए पैकेज दिया। एक बड़ी अच्छी ट्रेन सुषमा स्वराज जी ने उनकी संसदीय क्षेत्र से खातेगांव कन्नौज से होते हुए इंदौर से अब्दुल्लागंज से उदयपुरा तक, उदयपुरा से गाढ़ावारा जोड़ी गई है। अगर वो ट्रेन क्षेत्रवासियों की बड़ी मांग थी कि अगर तेंदुखेड़ा होकर गाढ़ावारा जुड़ जाती या करेली चली जाए तो राजमार्ग क्षेत्र का यहाँ का भी उद्धार हो जाता है। यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री लगी है और उद्योग यहाँ पर लगते। मेरे मान से तो ना मोदी जी ने ना सांसद जी ने इस क्षेत्र के लिए कुछ दिया है। वो क्षेत्र के शिवराज सिंह जी ने भी कैसे इनको टिकट दी है, इस क्षेत्र की जनता का अपमान किया है कि जिस आदमी के नेतृत्व में सारी विधानसभाओं के लोगों ने नकार दिया, यहाँ के विधायकों को नहीं जीतने दिया इनके प्रचार से, और इनकी क्या असर होगा जो शिवराज सिंह खुद देख लें, आके खुद करें। विपरीत आए थे, 500 आदमी इकट्ठे नहीं हुए, लोगों में नाराजगी काफ़ी है। नाराजगी का विषय यही कि इनको वोट हम क्यों दें। जिस व्यक्ति ने 10 साल में कोई काम नहीं किया, किसी व्यक्ति का ना व्यक्तिगत, ना क्षेत्र में कोई उद्योग व्यापार, ना किसानों के लिए, एक भी उपलब्धि मन से बताएं केंद्र सरकार की या खुद की। केवल झूठे भाषण देने से, अच्छे कपड़ा पहनने से, क्रीम पाउडर लगाने से अगर नेतृत्व नहीं माने तो भाई वोट दे। हम लोग तो जनता के बीच में जाते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। एक छोटी सी मांग हमने कोठिया और पिलथारे के बीच के पुल की रखी थी, वो पूरी नहीं करा पाए थे मुख्यमंत्री से। कितना मजबूत मानते हैं? बिल्कुल मजबूत नहीं, कांग्रेस की लाखों वोटों से जीत होगी। दीवान सैलंग सिंह नया चेहरा है, उनके पिताजी मंत्री रहे, वो बहुत अच्छा व्यवहार कुशल नौजवान है। हम लोग सारे लोग मिलके इस बार अच्छे मतों से, मेरे ख्याल से होशंगाबाद से लेके सब जगह विधानसभा, थोड़ी बहुत व्यक्तिगत को कुछ सीटों पर लोग जीत गए थे, उनका खुद का व्यवहार था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कारण कहीं से कहीं तक वो नहीं हुआ है। तो मैं भी जनता से अपील करूंगा कि ऐसे सांसद को वोट नहीं देना चाहिए। पूछ एक बार अपना मन तोड़ना चाहिए कि इनने क्या किया। वो जनता के साथ इतनी ज़्यादा नादेशाही शिवराज सिंह चौहान जी की कि जनता के बिल्कुल खिलाफ में निर्णय, वो टिकटें बांटना, तो हम क्षेत्र की जनता में भी काफ़ी रोष है। लोग भी दुखी हैं, लोगों की भावना नहीं समझ रहे थे, केवल अपनी गुटबाजी और मनमानी में लगे हैं। इसलिए परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, बहुत अच्छे से दीवान सैलंग सिंह जीतेंगे। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।